बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आप लोग उठ जाइए, जरा उठ जाओ भैया, भैया भैया थोड़ा सा मतलब जगह दे दीजिए, 2 मिनट के लिए उठ जाइए भैया, उठ जाइए, जरा सा उठ जाइए ना, खड़े जाइए थोड़ा। महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ इस तरह का व्यवहार अपराध की श्रेणी में आता है और उन्हें बचाने वाले भी गंभीर अपराध के दोषी हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई हो जाना चाहिए। इस गांव की समस्त महिलाएं और गांव के लोग, जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं, वे सब लोग धरने में बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, यदि हम इस प्रदेश के रहने वाले लोग हैं तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह आए, मौके में देखें, यहाँ के कप्तान और यहाँ के जिलाधिकारी को दंडित करें, सेवा से बर्खास्त करें। वे जन सेवा लायक नहीं, ऐसे लोक सेवकों को जनता को उनके कार्य करने की जरूरत नहीं रह गई। ये लोग काम करें, जिलाधिकारी रह करके काम करें, पुलिस अधीक्षक रह करके इस तरह का काम करें तो जनता को ऐसी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह गई। वीरों कैसी बेलगाम है और लगाम लगाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। मैं इस पीड़ित परिवार से मिलने आया हूँ, यहाँ की हमारी माननीय सांसद हैं, कार्रवाई कराई जाएगी। तो मुझे लगता है कि अभी भी कानून का ज्ञान नहीं है, दायित्व और कर्तव्यों का ज्ञान जिस जिलाधिकारी का न हो, कप्तान को न हो, ऐसे लोगों को सेवा में रहने का कोई हक नहीं है और इसके लिए हम काम करेंगे। पीड़ित परिवार मांग किया था, उस मांग के आधार पर केवल एस रोना पार को ही निलंबित किया गया, न कि जो भी दोषी होगा, चाहे पब्लिक का व्यक्ति हो, कांस्टेबल हो, CO हो, इंस्पेक्टर हो, SP हो, DM हो, जो भी इसके लिए दोषी हैं, और वे भी दोषी हैं जो मौन हैं, इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी मौन हैं, वो भी इसके लिए दोषी हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी।